राम राम जी। मैं आपका प्रणामित बॉस नरवाना और वर्ल्ड मैप जाना। तो भाई लगभग 350 किलोमीटर पड़ गया अपने नरवाना से वृंदावन पहुंचे हैं भाई। तो टाइम लग गया लगभग मोटरसाइकिल पे 8 से 8.5 घंटे, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना पड़ा 10-15 मिनट, 4-5 जगह मोटरसाइकिल भी रोक गया। चलो तो भगवान की दया सुख शांति है तो पहुंच गया पे। और मन में अस्थिरता, अशांति, द्वेष, विकार, द्विधा, असमंजस, खेद, चिंता पैदा हो रही थी। तो वहां भगवान ने बुलाए हाँ, तो आप वृंदावन आए हाँ। और कई जने को भाई साहब मार पर तो 30 किलोमीटर भी चले जाता, ठंडी इतनी हो रही है, तो वह भगवान बुलावा जो नंगे पैर में जाना पड़ जाए भाई। इसकी माया वह तो जाने, तेरी माया में तो खुद ने भी नहीं जान पाया। तो जो मालिक बुलावा तो भाई दूसरे देशों में भी जाना पड़ते हैं, इसकी पूजा करना, बड़ी बड़ी जो पर्वत पहाड़ चोटियां हैं उड़े भी जाना पड़ जाए, तो इसकी माया है भाई। और अभी रुके हैं हम गोवर्धन के अंदर, थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं आपको साइड में। और उस साइड देखो बंदर जी महाराज बैठे हैं, तो बंदर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो काफी अच्छा लगता, अच्छा माहौल है, गांव जैसा माहौल है। तो गोवर्धन के अंदर विद्यमान है हम, और जितने भी मतलब चीजें हैं यहाँ पे देखने की, लगभग जहां तक सुनने में आया कि 5500 प्लस मंदिर है यहाँ पे, 5500 मंदिर हैं। तो कोशिश करांगे मतलब आप हर चीज दिखाने की, कई दिन रुकांगे उरा और बढ़िया तरीका एक्सप्लोर करांगे सारी चीज, क्योंकि वही बात है 2-4 दिन रुक जहाँ पे फिर सारी चीज दिखा नहीं पाते। और सारे भाई कहेंगे भाई साहब हमने एक एक चीज दिखा दे, ताकि जो भाई नहीं आन पावे नहीं वो अनुभव कर सके घर बैठे कि भाई हम भी उड़े जा रहे हैं वीडियो का रूप में, वीडियो ने देखा खुद ने उस चीज में अपने आप को मतलब अनुभव कर सके, और एक बिल्कुल पारदर्शी रूप में। तो भगवान की दया से सुख शांति पहुंच गए भाई। और 40 की एवरेज दी है मोटरसाइकिल ने, तो कई जन कहना एग्जाम भाई मोटरसाइकिल का तो जमा खलिंदरी है, कोई केदारनाथ पहुंच जे है, कोई कड़िया पहुंच जे है, मोटरसाइकिल का तो पेंडा ही छोड़ता हरिद्वार ऋषिकेश है, तो चलता रहा मतलब कुएं दिल्ली कुएं कड़िया। लेकिन भाई नु है एक अंदर से जुनून है, और 2022 में माची को नहीं तो भाई 2023 में डूडा ठहरा जाए, तो डूडा ठाना है, मेहनत अनलिमिटेड करनी है, वो एक अलग बात है, भगवान कितना फल देगा, लेकिन भरोसा है इस नीली छतरी वाला भाई, यो सबकी सुना है। और मैं तो नुकूम भगवान सबने देवे मेरे तगड़ा देवे भाई, और सबका भला करा है। और आप भी भाई टाइम निकाल गए प्रभु का दरबार में आए करो, दुनियादारी में बिचड़ गए मतलब पीछे कमाने हैं, न्यू करना है, न्यू करना है, तो इन चीजों का चक्कर में नहीं आप भूल गए भगवान ने, तो भगवान ने ना भूलिया करो, टेम टेम पर संभाल करो भाई। 2 महीने 4 महीने में भाई जी सभी उसका हरिद्वार है, ऋषिकेश, केदारनाथ है, वृंदावन है, और जहां भी मतलब ऐसी जो एक दिल खुश करने वाली जगह है, जहां मतलब आके आत्मा को तृप्ति मिलती है, मन शांत हो जाता है, तो बहुत जरूरी है। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से ऊपर उठ के थोड़ा टाइम दिया करो भगवान ने भी, और भगवान का टाइम दोगे तो भगवान आपने इतना कुछ दे देगा, आपने मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह बात बतानी थी, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और जो भाई वृंदावन में रहते हैं तो इंस्टाग्राम अमित बोस नरवाना के नाम से है, वहां पे मैसेज कर देना, सबसे मिल लेंगे, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दियो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।